हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज फिर से हम आपके सामने एक 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है 6 नंबर में। क्या होता है कि अगर हम 3 प्रतिरोध लें, उन 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ें, किस में जोड़ें, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आएगा, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ समांतर वाला भी आएगा, 6 नंबर में आएगा, और एक न्यूमेरिकल भी मिल सकता है आपको। ठीक है, या तो दोनों के चांस होते हैं कि श्रेणी और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालिए, या फिर इन दोनों के साथ एक आंकिक प्रश्न भी हो सकता है। तो आज हम तीनों क्वेश्चन को देखने वाले हैं 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये तीसरी क्लास है हमारी 6 नंबर के लिए। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं 6 6 नंबर की। कितनी क्लास? 2। तो आपको उन 2 की भी तैयारी करनी है, उन 2 को देखना है। ये तीसरा टॉपिक है आज हमारा, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उन वीडियो को देखते होंगे। चैनल पर जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में प्लेलिस्ट ढूंढिए। प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और उसमें आपको जो टॉपिक आप चाहेंगे वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। श्रेणी क्रम में कैसे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, इससे संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए, देखिए हमें पढ़ना है श्रेणी क्रम में। पहले प्रतिरोधों का संयोजन किस में पढ़ना है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का क्या मतलब होता है, समझिए श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है। आपने क्या किया, मोहल्ले में, गली मोहल्ले में शादी थी किसी की, पहले तो टांग देते थे, पहले तो खूब करते थे ऐसा, पूरी गली मोहल्ले को सजा दिया जाता था, बल्ब लेते थे, डोरी लेते थे, वायर, उसको वायर को लगा दिया जाता था ऊपर, और उसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर बल्ब टांग दिए जाते थे। आपने देखा होगा सारी गली जगमग जलती रहती थी। ठीक है, तो ये जो क्रम है, मान लीजिए ये वायर है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया। प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में कोई भी रुकावट। आपने बल्ब लगा दिया, पंखे लगा दिए, कुछ भी, क्या सर अगर धारा के मार्ग में हम आ जाए तो हम भी प्रतिरोध होंगे। हाँ, अगर धारा का आप विरोध करोगे, उसके अपोज करोगे, तो आप भी क्या हो, एक प्रतिरोध हो। ठीक है, तो 3 प्रतिरोध जोड़े हमने, जिनका प्रतिरोध कितना है, R1, R2, R3। इसी तरह से एक ही वायर से कनेक्ट कर दिए, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से। इस तरह से ये व्यवस्था क्या कहलाती है, श्रेणी क्रम। दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं हम देखते हैं जो अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है। ठीक है, गली मोहल्ले में जो आपने देखा होगा कि जो बल्ब टांग दिए जाते हैं वो सब किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में। उसका एक नुकसान भी होता है, अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो सारे के सारे बल्ब खराब हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से वायर कट जाए कोई, तो क्या आगे धारा जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, तो वो नहीं चल पाते। और कुछ फायदे भी होते हैं, देखते हैं भी क्या है। तो 3 प्रतिरोध को हमने किस में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, बैटरी चाहिए और एक की, यह व्यवस्था कहलाती है आपकी श्रेणी क्रम। लिखेंगे कैसे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को बिंदु A व B के बीच किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। यह आप लिख सकते हैं, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को बिंदु A और B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से धारा चलेगी पॉजिटिव, ये टर्मिनल है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से धारा चलती है I, जो धारा R1 में जाएगी वही R2 में, वही R3 में, और वही बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें क्या समान रहती है, क्या समान रहती है, धारा क्या रहेगी, धारा समान, और क्या अलग रहेगा, विभवांतर। सभी के सिरों पर विभवांतर क्या रहेगा, अलग अलग। तो यहाँ पर R1 के सिरों पर लिखेंगे विभवांतर V1, R2 के सिरों पर कितना है V2, और R3 के सिरों पर कितना है V3, कितना है V3। तो अब आप देखिए कि आप लिखेंगे कैसे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिनके सिरों पर विभवांतर V1, V2 व V3 है, सभी में एक समान प्रकार की धारा क्या बह रही है, I। तो अब क्या होगा, कुल विभवांतर, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, कुल विभवांतर कैसे निकालेंगे आप, देखिए बताइए कुल विभवांतर कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2
प्लस वी थ्री, यही तो होगा वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी का फॉर्मूला होता है ओम के नियम से, क्या ओम के नियम से क्या होता है वी इक्वल्स टू आई आर, क्या होता है वी इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर वी वन कितना होगा आई वन आर वन, वी टू कितना होगा आई टू आर टू, और वी थ्री कितना होगा आई थ्री आर थ्री। ये सब मान समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण एक से देखिए v की वैल्यू रखेंगे आई आर, वी वन की आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू प्लस आई थ्री आर थ्री। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, बहुत गलत कर दिया आपने। तो क्या गलत कर दिया, अभी तो आप बता रहे हैं सभी में समान धारा बह रही है। देखिए यहाँ पर धारा क्या है सभी में, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो यहाँ पर अलग अलग कैसे हो गए, यहाँ आई वन यहाँ आई टू यहाँ आई थ्री, ये कैसे हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी धारा समान होगी, यहाँ भी आई वन यहाँ भी यहाँ भी, तीनों में क्या होगी आई। तो धारा कैसी होगी, इसमें भी आई इसमें भी आई और इसमें भी आई। अब आप कर सकते हैं आई आर इक्वल्स टू आई कॉमन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये आई से सॉरी इसमें से क्या कॉमन आएगा आई, कट गया। आर इक्वल्स टू कितना आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस तरह से अगर तीन प्रतिरोध है तो कितना होगा तुल्य प्रतिरोध, आर वन कितना आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये क्या है तुल्य प्रतिरोध। सर अगर चार होते तो क्या करते, तो एक और जोड़ देते, आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। पाँच होते तो एक और जोड़ते थे, दो होते तो आर वन प्लस आर टू। ठीक है, सोच को बढ़ाइए थोड़ी, सीमित मत कीजिए। अगर तीन है तो तीन के लिए, चार है तो चार के लिए, पाँच है तो पाँच के लिए, सिंपल सी बात है। तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम। अगर मैं कहूँ तीन प्रतिरोध मैं दे दूँ आपको, एक तीन ओम कितना, एक तीन ओम दे दूँ, एक चार ओम एक पाँच ओम, कहूँ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो क्या करो तुल्य प्रतिरोध निकालिए। दूसरी क्लास का बच्चा कर देगा, तीनों को जोड़ देगा, चार तीन सात और पाँच बारह, आंसर कितना आ गया बारह। तो यहाँ पर देखेंगे आप डायरेक्ट सम हो रहा है, यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा होता है, आर कैसा होता है ज़्यादा, और धारा क्या होती है कम। तो श्रेणी क्रम में हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है ज़्यादा चाहिए होती है। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा है हमारे पास क्या समांतर क्रम, दूसरा देखते हैं नंबर टू किसमें समांतर क्रम में। समांतर क्रम में देखिए समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में क्या करते हैं, सभी जो प्रतिरोध हो गए, एक ये प्रतिरोध है एक ये, इनका एक टर्मिनल तो एक पॉइंट से कोई से भी, और दूसरा टर्मिनल किससे जोड़ेंगे दूसरे पॉइंट से, ये आर वन ये आर टू और ये कितना है आर थ्री। बैटरी की ये व्यवस्था कहलाती है आपकी क्या समांतर क्रम, प्लस माइनस धारा चलेगी। अब आप देखोगे इसमें धारा अलग डिवाइड हो जाएगी आई वन, इसमें अलग आई टू, इसमें कितनी आई थ्री, यहाँ निकल जाएगी फिर बाहर कितनी आ जाएगी आई, कितनी आ जाएगी आई। तो हम लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध आर वन आर टू या आर थ्री बिंदु ए व बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों में बहने वाली धारा आई वन, दूसरे में आई टू और तीसरे में क्या है आई थ्री है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सभी में विभवांतर समान रहेगा, इसमें भी वी इसमें भी वी इसमें भी वी, तो समांतर क्रम में किसमें समांतर क्रम में धारा क्या रहेगी अलग अलग और विभवांतर क्या रहेगा समान, विभवांतर क्या रहेगा समान, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था धारा समान थी और विभवांतर अलग अलग था। तो ये आपको याद रखना है, ये याद नहीं रखोगे तो नहीं कर सकते आप डेरिवेशन। ठीक है देखते हैं कैसे होगा, देखिए तो क्या लिखेंगे आप, उसमें हमने यहाँ से चला था क्या धारा आई, आई किसमें डिवाइड हो गई, आई डिवाइड हो गई आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री में, वहाँ पर क्या लिया था हमने, वहाँ पर लिया था क्या विभवांतर, v इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, बहुत आसान है कुछ नहीं करना होता। आई अब फिर लिखेंगे समीकरण नंबर एक,
ओम के नियम से। क्या होता है ओम का नियम? इसका क्वेश्चन देख लीजिए कैसे पूछा जाता है। एक बार देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं। समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक का निगमन कीजिए। बहुत बार पूछा जाता है 6 नंबर में, ठीक है? तो करते हैं, चलिए। तो आई इक्वल्स ओम का नियम क्या आता है? वी बराबर आई आर। लेकिन हमें क्या वी निकालना है? नहीं, हमें निकालना है आई। कितना जाएगा? वी बटे आर। आई वी आर इसके अपोन में चला गया, तो आई वन कितना होगा? वी वन बटे आर वन। आई टू होगा वी टू बटे आर टू। और आई थ्री कितना होगा? आई थ्री कितना होगा? वी थ्री बटे आर थ्री, ठीक है? तो अब ये मान समीकरण एक में रख देंगे। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या थी? आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई की जगह रखेंगे वी बटे आर, आई वन की जगह वी वन बटे आर वन, वी टू बटे आर टू, वी थ्री बटे आर थ्री, वी थ्री बटे आर थ्री। अब आप कहोगे सर घोर अनर्थ हो गया। क्या हो गया? अभी तो आपने कहा था कि विभवांतर सभी पर क्या रहेगा? समान। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ हमने अलग अलग कर दिया, तो काट दीजिए। V क्या रहेगा? समान V V V। तो V बराबर सॉरी V बटे R बराबर V कॉमन आ गया, वन अपोन आर वन, वन अपोन आर टू प्लस वन अपोन आर थ्री। V से V कैंसिल वन बार, तो वन अपोन R इक्वल्स टू वन अपोन आर वन प्लस वन अपोन आर टू प्लस वन अपोन आर थ्री। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध कितना आया, वन अपोन आर इक्वल्स टू वन अपोन आर वन प्लस वन अपोन आर टू प्लस वन अपोन आर थ्री, यानी कि उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। प्रतिरोध कैसा आएगा यहाँ पर? न्यूनतम। कैसा आएगा? न्यूनतम। और वहाँ पर कैसा आता? अधिकतम। कैसा आता? अधिकतम। यहाँ पर कैसा आएगा प्रतिरोध? न्यूनतम। कैसा आएगा? न्यूनतम। ये आप कहाँ देखते हैं? ये आप देखते हैं अपने घरों में, घर के जो पंखे बल्ब जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं वो सब किस में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घर के उपकरण होते हैं वो किस में लगे होते हैं? किस में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। किस में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। अगर वो श्रेणी क्रम में होते तो अगर आप बल्ब जलाते हैं, अब रात को मान लीजिए CFL जलाई है, पता चला पंखा भी चल गया, और पंखा चल जाता तो आपको पता लग जाता इतनी सर्दी में, ठीक है? तो वहाँ पर उनको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग स्विच की रिक्वायरमेंट होती है समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में अगर उनको ऑपरेट करना है, एक स्विच दबाएंगे सारे के सारे बल्ब जल जाएंगे, सारे के सारे उससे जुड़े हुए पंखे जल जाएंगे अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि सभी में धारा चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस में प्रतिरोध अधिकतम होता है, तो अधिकतम किस में होगा? इस वाले में। इसमें प्रतिरोध कैसा होता है? अधिकतम। और इसमें प्रतिरोध कैसा होता है? न्यूनतम। कैसा होता है? न्यूनतम। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको। निम्न चित्र में आर वन दिया है 10-15 ओम, आर टू 10 ओम, आर थ्री 30 ओम, आर फोर आर फाइव। बैटरी दी है, वी बराबर कितना दिया है? वी बराबर कितना दिया है? 18 वोल्ट। परिपथ में धारा पूछ रहा है आई कितनी होगी, तो आई निकालने के लिए आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं? बताइए जल्दी, ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ, सोचिए सोचिए, सही सोच रहे हैं। क्या होगा? समांतर में। किस में? समांतर में। और ये दोनों? सर ये दोनों भी समांतर में। ये दोनों भी किस में? समांतर में। तो हम लिखेंगे आर वन आर टू व आर थ्री किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा वन अपोन आर डैश, मान लीजिए कितना होगा? वन अपोन आर डैश, इसको मान लीजिए वन अपोन आर वन, वन अपोन आर टू, यही तो था समांतर क्रम का फॉर्मूला। वन अपोन आर वन कितना दिया है? 15, वन अपोन 10 प्लस वन अपोन 30, तो कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा इसका 30, 15 से दो बार जाएगा 30, दो के ऊपर गुना करते हैं 2, 10 या 30, 3 एकम 3, 30 एकम 30 1, तो 1/r कितना आएगा? 3 2 5 6, 6/30, 1/5। इसको
आर डैश कितना आ जाएगा, 5 ओम। तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं 5 ओम। ऐसे हम इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखिए 1/r" ये R4 है, 1/r4 प्लस 1/r5। R4 कितना है, R4 है 5, R5 है 20, 1/5 प्लस 1/20। तो LCM कितना आएगा इसका, 20, 5 से 20 जाएगा 4 बार 4 एकम 4, 20 से 20 जाएगा एक बार 1 की गुना ऊपर, तो 1/r" कितना आ गया, 5/20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो R" कितना आ गया, 4 ओम। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 4 ओम। अब आप देखोगे ये एक सर्किट बन गया, कैसे, ये 5 ओम और ये कितना, 4 ओम, और ये किस में है, श्रेणी क्रम में। तो R' व R" किस में है, श्रेणी क्रम। तो R कितना आएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध दोनों को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तो यही फॉर्मूला होता है R1 + R2। तो 5 + 4 कितना आ गया, 9 ओम। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 9 ओम। अब यहाँ पर V कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, V देखिए कितना दिया है, 18 वोल्ट, V दिया है 18 वोल्ट। I पूछा है, I बराबर क्वेश्चन वन, तो V बराबर क्या होता है, IR, I बराबर कितना होता है, V/R, V कितना है 18, R 9 आया 2 बार, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।